हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल और मैं हूं एसपी सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्यामिति। ज्यामिति में तीन पोर्शन हाई स्कूल में है। पहला पोर्शन है त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, दूसरा है वृत्त और तीसरा है रचनाएं। रचनाएं में पहले ही आपको यहाँ पर एक वीडियो पूरी बना चुका हूँ, जिसमें सारी रचनाएँ जो इम्पोर्टेंट रचना है वो मैंने करा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब मैं इसका जो दूसरा पोर्शन है वो है ज्यामिति। आज मैं यहाँ पर ज्यामिति करा रहा हूँ, तो आज मैं यहाँ पर छोटे प्रश्न आपको करा रहा हूँ। तो चलिए हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बराबर में एक घंटे का बटन भी होगा, इसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देखिए हम करते हैं आज के। अब देखिए इस क्रम में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, टी पी टी डैश वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, यदि क्यू पी टी 65 अंश है तो क्यू पी ओ क्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पी ओ क्यू हमें निकालना है, जरा ध्यान से समझेंगे, पी ओ क्यू। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके चित्र को बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा है और यहाँ ये कोण हमें दे रखा है 65 अंश का। ठीक है, हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 में से 65 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 25। 25 ये है तो इधर का भी 25 हो गया, 25 ये, 25 ये, तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा, कौन सा पूछा, पी ओ क्यू पूछा, तो ये कितना हुआ, 50 माइनस कर दीजिए 130 अंश। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ये वाला, तो ये आंसर कितना हो गया 130 अंश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या, इसको ध्यान से समझेंगे। चित्र में एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी सी और एक छेदिका ए एक्स वाई खींची गई है, छेदिका वृत्त के बिंदु ओ बिंदु एक्स वाई पे काटती, यदि ये 80 अंश है, एक्स वाई बी सी 80 अंश है, बी वाई एक्स 30 अंश है, तो बी ए एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं किसी त्रिभुज की सरल रेखा में जो कोण बनता है वो 180 अंश बनता है, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये हो गया आपका 100 अंश। वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 100 ये, 30 ये हो गया 150, तो ये वाला कोण कितना हो गया 180 में से हम इन दो कोण का जोड़ माइनस कर देंगे, यानी 130 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 50 डिग्री। कितना कोण आ गया ये 50 अंश। तो इसका जो है बी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी 4 सेंटीमीटर, ओ भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्पर्श रेखा बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बी सी की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो बी सी क्या है, यहाँ पर अगर 90 अंश ये वाला है तो ये हो जाता है इसका कर्ण, ठीक है, और इधर का हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो लंब हमें निकालना है, यानी बी सी हमें निकालना है, ये 4 है तो ओ सी भी 4 हो जाएगी, तो ये होता है फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर होता आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता। अब देखिए यहाँ पे कर्ण है 5, कर्ण कितना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार है ओ सी, ओ सी कितना 4 सेंटीमीटर, और लंब यानी कि बी सी जो हमें निकालना, तो 5 का वर्ग होता 25, 25 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16 बराबर बी सी का स्क्वायर। तो 25 में 16 गए बच्चे 9, यानी 9 बराबर बी सी स्क्वायर, वर्गमूल ले लेंगे तो बी सी बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर हो गया कौन सा हो गया, ए इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको देखेंगे पहले, दो समांतर रेखाएं एक वृत्त के दो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी बराबर है। अब जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर दो समांतर रेखाएँ खींची गई हैं ऐसे करके, और बीच में ये ए बी हमें निकालना। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो इसका मतलब हमें जो निकालना है इसका व्यास निकालना है, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा 25 पाई, इधर आया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट गया, वर्गमूल ले लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो यानी आर बराबर हो गया 5। अब हमसे व्यास पूछा तो व्यास हो गया 10,
तो आर इधर है, आर नीचे है, तो 2R यानी कि ए बी। ए बी का मतलब है व्यास, तो 5 का डबल कर देंगे 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पाँच है, वृत्त के बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ओ पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब जरा समझना है, यहाँ पे ये वृत्त है, यहाँ पर एक स्पर्शी खींची गई है और यहाँ से एक ये है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, यानी कि ये वाला जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो 45 अंश का ये हो जाएगा और 45 का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या हमसे, ओ पी क्यू की संधिभाव, ओ डी क्यू, ओ डी क्यू का मतलब यहाँ पर जो है, देखिए ओ डी नहीं, क्यू ओ पी होगा, क्या होगा, क्यू ओ पी, यानी ये मान लीजिए क्यू और ये ओ और यहाँ पर जो भार है बिंदु पी है, तो क्यू ओ पी पूछा, तो क्यू ओ पी हो गया 45 अंश का। इसका आंसर कितना हुआ, 45 अंश, यानी कि सी पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन क्या, जरा देखिए, चित्र में ए सी बी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें देखिए ए सी बी निकालनी है, तो हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। देखिए ये मैंने बना दिया यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पर, यहाँ ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स। अब ज़रा ध्यान दें, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, तो ए डी बराबर हो गया डी सी। इसी तरह से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती है, तो डी सी बराबर हो गया डी बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये चूंकि बराबर है, तो एंगल ये वाला एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया, यानी ये वाला भी एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा, और इधर ये वाला एक्स है, ये भी एक्स, यानी इन सब का जो जोड़ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180, यानी कि 4x बराबर 180, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 5 20, यानी 45 अंश आ गया। तो x ये हो गया, x इधर का हो गया, तो अब यहाँ पे ये हो गया 45 45, 90 अंश, तो इसका आंसर क्या हुआ, 90 अंश इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वृत्त के परिगत खींचा गया है, पी क्यू क्यू आर एस 5, 9 और 8 सेंटीमीटर पी एस की माप ज्ञात करो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अब इसको जरा समझेंगे, ये वृत्त है और इसके चारों ओर ये खींची गई है ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, कुछ नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऐसे करके ऐसे खींची गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है ये 5, ये 5 दे रखी है, ये 9 दे रखी है और ये 8 दे रखी है। ये हमसे जो है पी क्यू आर और एस, पी एस हमसे निकालना, पी एस निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, इसको वाई निकाल मान लेते हैं, इसका मतलब अब हमें एक्स प्लस वाई निकालना। अब देखिए ये एक्स है, तो इधर वाला भी एक्स हो गया, जब एक्स है तो ये कितनी रहेगी, 5 माइनस एक्स, तो ये वाली इतनी, ये हो गई 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसी तरह देखिए ये वाई है, तो ये भी वाई हो गई, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, टोटल 8 है, 8 में से वाई माइनस कर देंगे, तो ये वाली हो जाएगी वाई माइनस 8। ठीक, जब ये वाई माइनस 8 है, तो ये कितनी हो गई, वाई माइनस 8। अब जरा ध्यान समझना, तो वाई माइनस एक्स और वाई माइनस 8 का जो जोड़ है वो कितना है, 9। तो यहाँ पर देखिए वाई माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई माइनस एक्स, पहला वाला वाई माइनस एक्स और वाई क्या था यहाँ पे, वाई माइनस 8 और वो दूसरा था एक्स माइनस 5 बराबर कितना, 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर 8 5 हो गया 13 और ये हो गया 9, तो ये 8 माइनस ये था माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस और ये हो जाएगा कि यहाँ पे एक्स 8 5 13 13 इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ा पीछे जाके देखिए, मैं दोबारा ही बना देता हूँ इसको, तो यहाँ पर क्या था, ये था ऐसे
तो हमने क्या करा था, इसको एक्स माना और इसको क्या माना, वाई माना। ठीक है, तो ये वाला एक्स हो गया था और इधर ये वाई हो गया था। यहाँ पर टोटल दे रखा है ये 5, तो ये 5 में से एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, इधर तो नीचे दे रखा था यहाँ पर 5 9 8, तो ये वाला हो गया था आपका 8 माइनस वाई। ठीक है, ये टोटल कितना 9 दे रखा है, ये टोटल कितनी 9, तो 9 जो है वो किसके बराबर है, 9 बराबर है इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि इसके 5 माइनस एक्स प्लस के 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई। ठीक है, तो अब इनको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 8 5 13 और माइनस के एक्स माइनस के वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया 13 माइनस 9, यानी कि 4। कितना आंसर आ गया इसका, 4 आंसर आ गया। तो कौन सा उत्तर हो गया इसका, 4 इसका आंसर आ गया, यानी डी पार्ट इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 60° कोण पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये देखिए वृत्त पर 60° कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, 60° कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं सर के, त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की, अब हमें निकालनी है ये लंबाई, तो ये हो गया 30 अंश, तो ये हो गया 60, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श की लंब होती है 90° का है, ये कितना हो गया 60। तो अब यहाँ पे जो है हमें ये निकालना, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल देंगे, इसके 90° के सामने वाला तो हो गया कर्ण, ये हो जाएगा इसका लंब और ये उधर का हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार बराबर होता है टैन थीटा, ये लगा देंगे फॉर्मूला, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या लगा देंगे, लंब बटे आधार, तो थीटा 60° है और लंब है इसमें, ये निकालना हमें लंब, लंब निकालना और आधार हो जाएगा इसका, आधार कितना था यहाँ से 5, तो 5 की 10 60 की वैल्यू होती है √3, √3 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लंब, यानी कि आ जाएगी, तो ये हो गया 5√3। तो आंसर कितना आ गया इसका, 5√3 आंसर इसका आ गया, कौन सा विकल्प हो गया इसका, ये वाला सही हो गया। अब देखिए हम आगे चलते हैं, एक स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, तो देखो ये तो वैसे ही आंसर लगाना, स्पर्श एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है, तो स्पर्श त्रिज्या पे लंबवत कहाँ होती है, स्पर्श बिंदु पर, इसका ए सही है। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो व्यास के सिरों पर देखिए, जो एक व्यास ये है, इसका जो सिरे होंगे उस पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं, एक इस सिरे पर और दूसरी इस सिरे पर, यानी दो आंसर इसका हो गया, विकल्प कौन सा, इसका दूसरा वाला। अब देखिए 11वां क्वेश्चन समझेंगे, एक वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं वो कैसी होती हैं, देख लीजिए यहाँ पे समांतर, तो कौन सा इसका बी पार्ट सही है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हुआ, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कोण मिलता है, तो आप देखो अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी ये जो है अनंत तक कहीं नहीं मिलेगा, तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि एंगल जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि समांतर को हम संपाती भी कहते हैं और संपाती के बीच का एंगल जो होता है वो, तो इसका आंसर कितना हो गया 0°। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, ये आंसर हमने बता दिया, अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या याद करो। अब देखो अंतः स्पर्श करते हैं, तो भाई एक वृत्त तो हो गया ये और छोटा वाला वृत्त हो गया ऐसे करके, तो एक जो बड़ा वाला वृत्त है उसका केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी बड़े वृत्त का केंद्र ये है, ये 3 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त का केंद्र वो है पी ए, पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएँ स्पर्श बिंदु ए पर, पी ए पी बी 50° है, ए ओ बी की माप याद कीजिए, ए ओ बी देखिए ये 90° हो गया, ये भी 90° हो गया, 90, अब ये बचा यानी इसका और इसका जो जोड़ होगा वो 180 होगा, तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 130°, कितना हो जाएगा 130°, यानी कि इसका ये वाला आंसर सही है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वृत्त के किसी
व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी चित्र में जो दिखाई दे रही हैं आपको, ए बी और सी डी क्या समांतर हैं। तो ये समांतर तब होंगी अगर हम किसी प्रकार से इसका और इसका जो जोड़ है वो 180 अंश प्रूफ कर दें, ठीक है। क्योंकि दो रेखाएं ऐसे समांतर होती हैं तो इनको बोलते हैं हम क्रमागत कोण, और इनका जोड़ अगर 180 अंश हो जाता है तो ये दोनों समांतर कहलाती हैं। इसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए त्रिज्या स्पर्शी पर लम होती है तो ये 90 अंश हो गया, ऐसे यहाँ पर त्रिज्या स्पर्शी पर लम होती है 90 अंश हो गया, 90 90 को जोड़ दें कितना हो गया 180 अंश। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखाया है इसको ऐसे करके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ क्यू डी 90 अंश हो गया, ओ पी बी यानी ओ क्यू डी 180 अंश हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे प्रूफ इसका कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर दो क्या है, क्वेश्चन नंबर दो ये है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका चित्र देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये है, इसका आप देख लीजिए। हाँ आप देखो कैसे करते हैं हम इसको, अब यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो ए पी है वो आ जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, कितना जाएगा ए पी 4 सेंटीमीटर। यहाँ इसका देखो सॉल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ समझ लीजिए देखो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ए पी जो होगा वो ए वी का आधा होगा, तो इसको हम डबल कर देंगे, तो 4 ये आ गया, तो 4 ये है तो 4 ही इधर आ जाएगा, तो यानी टोटल हो गया ए वी बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक आप एसपी मैथ चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।